हेलो एवरीवन, आज मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ हाजिर हूँ नई से नई टिप्स लेकर के। इनमें से कोई भी टिप्स पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप अपने एक लाइक के जरिए हमें ये महसूस कराते हैं कि हाँ, हमारी वीडियो आपको पसंद आती है। तो मैं आपको ऐसी ही वीडियो यूजफुल लेके आती रहूँगी और आपका काम आसान करती रहूँगी। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करते हैं। पहली टिप्स हमारी कुर्ती को लेकर के है। जब भी हम इसे सिलवाते हैं या ख़रीद करके लाते हैं तो इनका गला बड़ा हो जाता है। बड़े गले की वजह से इन्हें हम पहन नहीं पाते हैं और हम इधर उधर फेंकते रहते हैं और हमारी ड्रेस अच्छी होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप घर में ही इसका गला सही कर सकते हो। तो इस तरह से आपको कोई भी कपड़ा ले लेना है, जो कपड़ा आपको पसंद है या फिर इसी का कोई कपड़ा है, तो इस तरह से आपको तिकोना करके रख देना है और बस आपको इस तरह से किनारे किनारे सिलाई कर देनी है। जिस जगह पर मैं आपको उंगली से इस तरह से बता रही हूँ, बस इतनी जगह पर आपको सिलाई कर देनी है। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो भी आप इस तरह से इसको छोटा कर सकते हो। सिलाई मशीन नहीं है तो भी छोटा कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी जगह में आपको सिलना होता है। तो आई होप ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप्स भी हमारी ड्रेस से जुड़ी हुई है। जब भी हम कोई ड्रेस खरीदते हैं और उसमें फाइल प्रिंट होती है तो वो बहुत जल्दी छूटने लगती है। तो हम ऐसा क्या जुगाड़ करें इसमें जो हमारी फाइल प्रिंट लंबे समय तक अच्छी बनी रहे। तो इसके लिए भी मैं आपको दो टिप बताने वाली हूँ। अगर उनको फॉलो करोगे तो आपकी ड्रेस का ये जो फाइल प्रिंट है ये कभी नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि आपको इसमें ब्रश बिल्कुल नहीं लगाना है, ब्रश से रगड़ के नहीं साफ़ करना है। और दूसरी ट्रिक है कि इनको कभी ऐसे ड्रेस को कभी गर्म कप पानी से नहीं धुलना है, ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए और इनको सुखा लीजिए। तो आई होप ये भी टिप्स काफ़ी काम की रही होगी। तो नेक्स्ट टिप्स हमारी इस तरह से कैरम बोर्ड से जुड़ी हुई है। कैरम बोर्ड की जो गिट्टियाँ हैं इनको हम रखने के लिए इधर उधर कहीं पर भी रख देते हैं बच्चे, तो इनकी गिट्टियाँ अगर एक भी कोई खो जाती है तो सारा खेल भी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हम कबाड़ से जुगाड़ वाला काम करेंगे। इस तरह से हम बच्चों के लिए घड़ी खरीदते हैं और इस तरह से हमें डिब्बे मिल जाते हैं और इन्हें हम कबाड़ समझ करके फेंक देते हैं। तो अब हमें इस तरह के डिब्बे को बिल्कुल नहीं फेंकना है और इन गिट्टियों को इसमें डाल करके हम रख देंगे। तो जब भी बच्चे इन्हें ढूंढेंगे तो आसानी से ढूंढ पाएंगे, क्योंकि इनका डिब्बा ट्रांसपेरेंट है तो आसानी से गिट्टियाँ दिख जाती हैं कि हाँ, इनमें से ये गिट्टियाँ रखी हुई हैं। तो इस तरह से हम कबाड़ से जुगाड़ वाला काम भी कर सकते हैं। तो इस जुगाड़ के लिए आपको एक लाइक ज़रूर कर देना है। तो चलिए मैं आपको अगली टिप दिखा देती हूँ। तो क्या होता है, जब भी हम साड़ी खरीदते हैं और हमें पता नहीं होता है और इस तरह से हम स्टोन वाली साड़ियाँ खरीद कर ले आते हैं और जब इनको हम धुलते हैं तो इनके स्टोन धीरे धीरे से निकलने लगते हैं। तो इनके लिए हमें क्या ट्रिक फॉलो करनी है तो मैं इनको बताने वाली हूँ। इनके लिए भी इनको भी ब्रश नहीं लगाना है इन पर। जब भी ब्रश रगड़ करके आप साफ करोगे तो ये स्टोन निकलना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन वैसे भी हम साड़ियों में ब्रश तो नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। और दूसरा स्टेप इसमें वही करना है कि आपको गर्म पानी से इन्हें नहीं धोना है, ज़्यादा देर तक भिगो करके नहीं रखना है। ज़्यादा देर तक भिगो करके रखोगे तो इनके सारे स्टोन धीरे धीरे से फूल जाते हैं और ये निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हमें इनको लंबे समय तक रखना है तो बस यही दो ट्रिक आपको फॉलो करनी है। गर्म पानी से नहीं धोना है और इन पर ब्रश नहीं लगाना है, तो आप इन्हें लंबे समय तक नई जैसी बना करके रख सकते हो। तो आई होप ये भी टिप्स काफ़ी काम की रही होगी। तो इस तरह से आप भी अपने ड्रेस को या साड़ी को बचा सकते हो। अगली टिप हमारी बैंडेज को लेकर के है। जब भी हम बैंडेज लगाते हैं तो हमें लगाने का सही तरीका नहीं पता होता है, तो हम लगाते हैं और वो बहुत जल्दी से खुल जाती है या नहीं खुलती है तो वो ढीली रह जाती है। तो हम जिस सेफ्टी के लिए उसको लगाते हैं वो हमें सेफ्टी नहीं दे पाती है। तो इसका अगर लगाने का तरीका हमें सही नहीं मालूम होता है तो हम इसे अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। तो वही मैं तरीका आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ जिससे आप इसे सही तरीके से लगा पाओगे। तो सही लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है और मैं आपको बता देती हूँ आपको इसमें क्या करना है। इस तरह से रैपर से खोल करके आपको इस बैंडेड को निकाल लेना है। निकालने के बाद बस आपको कैंची लेनी है और कैंची की मदद से हमें इसमें छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। तो छोटे छोटे से कट बिल्कुल लगाने हैं और वो जो कट हमें लगाना है वो कट दोनों साइड में बराबर होने चाहिए। तो चलिए मैं आपको कैंची से कट लगा करके दिखा देती हूँ।
तो जब भी कट लगाएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कैंची में जो भी कट लगे दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर होगा तो भी वो अच्छे से सपोर्ट उंगली को नहीं करेगी, या फिर जहाँ पर आपकी चोट लगी है वो अच्छे से आपको सपोर्ट नहीं करने वाली है। तो चलिए मैं आपको अब लगा करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से रैपर को हटाना है, एक तरफ वाला रैपर हम हटाएंगे और फिर उस जगह पर रखेंगे जिस जगह पर हमारे चोट लगी हुई है। तो मान लीजिए हमारी उंगली पर चोट लगी हुई है, तो इस तरह से हमें रखना है और फिर दूसरे तरफ का भी हमें इस तरह से निकाल देना है। अब हम एक तरफ का सिरा उठा करके इस तरफ घुमा करके हमें लाना है, और जो कट लगाया हुआ था तो इसको तिरछा करके चिपकाना है, सीधा नहीं चिपकाना है, तिरछा करके। फिर दूसरा सिरा पकड़ेंगे और दूसरे सिरे को भी उसी तरह से तिरछा करके हमें इस तरह से चिपका लेना है। इस तरह से अगर चिपकाओगे तो आपकी जो चोट है वो अच्छे से बंद हो जाएगी और कोई नहीं रहेगा कि आप इसके अंदर कोई पानी जाए या कोई सामान जा पाए। तो आई होप ये भी टिप्स पसंद आई होगी। इनमें से कोई भी टिप्स पसंद आई हो तो एक लाइक हमें ज़रूर कर दीजिएगा।